BJP Srinagar Wing raised questions regarding security concerns. BJP Senior Leader, Media Advisor and Spokesperson Altaf Takur said that we are being threatened and scared, but no one bothered to provide us security despite repeated pledges. They said us to make resignation, verification and other things, which takes a lot of time and never end till the leader is being assassinated. देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जो नेशनलिस्टिक की आवाज यहां बढ़ रही है, कुछ ताकतों को ये रास नहीं आता है, इसलिए वो अब ऐसे हरबे, कभी एक लीडर पे हमला, कभी दूसरे पे हमला, कभी ये बंद करके इस आवाज को दबाना चाहते हैं। जहां तक आप कह रहे कोताहियों का सवाल, हम इस चीज को मानते हैं कि बीजेपी एक नेशनलिस्ट की आवाज है। यहां उस आवाज को दबाने के लिए ताकतों के साथ साथ मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पुलिस की भी तरफ से खामियां है। जो सिक्योरिटी कवर एक बीजेपी वर्कर को होना चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को दिया भी गया है तो वो बहुत कम है। मैं हमने बार बार ये पुलिस अथॉरिटी की नोटिस में इस बात को लाया है और अभी तक उन्होंने कोई उस पर, इस इश्यू पे कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। हमने ऑनरेबल, हमारे जो डिप्टी सीएम है उनकी नोटिस में भी ये कल बात लाई है और आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारी उनकी नोटिस में कल भी लाई। उन्होंने हमें आश्वासन किया है कि जो आपके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी है उसका हम नोटिस लेके वो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी तक बदकिस्मती से जिन लीडरों के पास हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट बने जा रहे हैं।